सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग फायर ब्रिगेड की ऑलमाइटी वॉच का रिव्यू देने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो फिर चलिए इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट आ जाता है, इसको भी हम लोग साइड में कर देते हैं। और इसके साथ आपको कुछ गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग एप्स के सब्सक्रिप्शन और काफी सारी चीजें आ रही है। यहाँ पे एक वारंटी कार्ड भी है, ये नीचे वारंटी कार्ड पड़ा हुआ है, जिसका वारंटी कार्ड है, इससे आप इनकी साइट पे लॉगिन करके इसकी वारंटी को मतलब इशू कर सकते हैं। तो ये सब आपको मिलता है। ये इसका आपको मैनुअल मिलता है, इस मैनुअल में इसके मतलब कैसे यूज करना है ये सब लिखा है। तो यूजर मैनुअल है, इसको भी साइड में रखने। अब आ जाते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट पे। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है इसकी चारों तरफ से आपको। आपको साइड से इसकी बॉडी मेटेलिक फिनिश में मिलती है और आगे से आप देख सकते हैं स्टीकर लगा हुआ है, इसको भी हटा देते हैं। तो गाइस, तो ये अभी पावर ऑफ है, तो इसे पावर ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फायर बोल्ट का लोगो आ चुका है और ये वॉच स्टार्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज ये वॉच स्टार्ट हो गई है। सो गाइस, तो आपको इसमें 35 mm का फुल एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और गाइस इसकी क्वालिटी भी काफी हाई है। इसमें आपको 454x454 पिक्सल्स के अल्ट्रा HD हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल जाती है और इसमें आपको बिल्ट इन असिस्टेंट भी मिल जाता है, वो भी हम आपको चला के दिखाएंगे। पहले इसके स्ट्रैप खोल लेते हैं। तो गाइस, तो यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाता है, ये सब आपके रिकॉर्ड करता है कि वर्कआउट वगैरह हर चीज को। और गाइस, ये यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके स्ट्रैप को आप ऐसे खींच के रिमूव कर सकते हैं और इसी तरीके से इसमें वापस लगा सकते हैं। तो हमने वापस लगा दिया है। और गाइस, आपके इसके स्ट्रैप की क्वालिटी भी काफी बढ़िया मिलती है। तो गाइस देखते हैं, अब ये आपको यहाँ पे इस पे आपको दो बटन मिलते हैं देखने को। तो एक बटन से आप इसको स्क्रीन ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे एप्स खोल सकते हैं और दूसरे बटन से आपके सब वर्कआउट वगैरह खुल जाएंगे। इससे आप सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा वर्कआउट करना है। तो इसमें आपको ज्यादा वो मोड्स नहीं मिलते हैं वर्कआउट वगैरह के, इसमें आपको 11 ही मोड्स मिलते हैं। ये भी काफी है वैसे, इसको आप यूज कर सकते हैं। हर टाइप का आपको मिल जाता है, फुटबॉल, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्पिनिंग, योगा, सब मिल जाता है आपको इसमें। और गाइस, तो अब नीचे से अगर आप इसे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का मिल जाता है। फिर यहाँ पे आप पैक करके ऊपर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स, फिर ये आपको मिल जाता है वॉइस का वाइब्रेशन ऑन ऑफ करने का, ये ब्राइटनेस सेटिंग, इससे आप ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। और साइड में स्वाइप करके आप बैक कर सकते हैं और ये मोबाइल से आप मतलब पेयर करके इससे कॉलिंग वगैरह ऑन करने के लिए यहाँ पे पेयर कर सकते हैं इस मोबाइल को। तो अभी तो मैं पेयर नहीं कर रहा हूँ मैं। और ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, इसे आप ऑन कर देंगे तो फिर कॉल वगैरह कुछ नहीं आएगी वॉच में। तो चलिए इसकी सेटिंग्स आपको दिखा देते हैं अंदर जाके। तो यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है, ब्राइटनेस जो हम आपको ऊपर ही दिखा चुके हैं, स्टैंड बाई डायल मतलब इससे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर सकते हैं इसकी। तो यहाँ पे जाके हम जैसे इसे ऑन कर देंगे तो स्क्रीन ऑफ करने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चालू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ठीक ठाक सी ब्राइटनेस है, ये आपको धूप में तो नहीं दिखाई देगी लेकिन हाँ, रूम वगैरह में अगर आप हैं तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं। फिर इसको ऑन कर लेते हैं। अब दिखाते हैं हम आपको इसके ऐप्स। यहाँ पे आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग मिल जाती है, उसके बाद हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिल जाती है, वर्कआउट शेड्यूल सेट कर सकते हैं आप इसमें, फीमेल हेल्थ मिल जाती है, ये हमारा वॉइस असिस्टेंट है, इसे भी हम आपको अभी यूज करके दिखाएंगे। ये फिर से सेटिंग, ये फाइंड माई फोन, इसमें अगर जब आपका फोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगा तो अगर ब्लूटूथ की रेंज में फोन होगा तो इससे आप अपने फोन को फाइंड कर सकते हैं। ये कैमरा कंट्रोल, ये टाइमर मिल जाता है, इसमें आप टाइमर चला सकते हैं किसी 5 मिनट का, 6 मिनट का, ऐसे करके सेट कर सकते हैं आप इसे। ये स्टॉप वॉच, नोटिफिकेशन और ये डायल पैड, इससे आप कॉल में ला सकते हैं ब्लूटूथ से, पहले ब्लूटूथ से पेयर होता है उसके बाद इससे आप कॉल कर सकते हैं। तो अभी तो ब्लूटूथ बंद है मेरे फोन का, इससे आपके सब फोन बुक वगैरह सी में आ जाती है। और ये वेदर का है, इससे आप वेदर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बाहर का टेम्परेचर कितना ज्यादा हो रहा है इस समय। ये म्यूजिक कंट्रोल है, इससे आप मोबाइल में म्यूजिक बजा के मतलब आप वॉच पे भी सुन सकते हैं सॉन्ग। वॉच पे आप सॉन्ग कैसे सुन सकते हैं, बैक करके आपको यहाँ ऊपर जाना है तो यहाँ पे जो पेयर वाला बटन है इसी पे क्लिक करके आप सॉन्ग भी सुन सकते हैं इससे पेयर करके मोबाइल से। तो गाइस, तो चलिए अब हम आपको इसका ऐप दिखा देते हैं और सब बाकी सब फीचर्स भी दिखा देते हैं आपको इसके। सो गाइस, तो अब आप लोगों को अपने मोबाइल में स्मार्ट टाइम प्रो नाम का एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। स्मार्ट टाइम प्रो ऐसा ऐप है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से एग्री करने का मांगेगा, तो ये सब हम लोग अभी फिल कर देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा जो ऐप का इंटरफेस है वो खुल चुका है। तो यहाँ पे ऐप ओपन हो चुका है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना वेट डालना होगा, फिर ये आपको आपकी स्लीप, हार्ट रेट और कितने किलोमीटर आप चले, ये सब आपको ये ऐप बताएगा। तो हम डिवाइस पे जाते हैं और ऐड डिवाइस करते हैं। ऐड डिवाइस करने के बाद यहाँ पे लोकेशन ऑन करवा रहा है, तो ये हमने ऑन कर दिया है। उसके बाद अब ये डिवाइस को सर्च करेगा, अब ये ब्लूटूथ ऑन हो गया है और ये डिवाइस आ चुकी है BSW013। तो अब हम इसको पेयर कर लेते हैं क्लिक करके। अब यहाँ वॉच में भी आप देख सकते हैं कितना इंस्टेंट ऑप्शन आ चुका है, तो हम यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देंगे और ये वॉच तुरंत पेयर हो जाएगी। तो वैसे वॉच अब पेयर हो चुकी है, ये सब हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो इनकमिंग कॉल वगैरह के लिए दिखा रहा है ऑन करने के लिए, तो ऑन कर देते हैं, इससे कॉल वॉच पे आ जाएगी हमारी। ये ब्लूटूथ से आती है कॉल, मतलब मोबाइल पे, तो इसमें सिम वगैरह नहीं पड़ती वॉच में। ये सब हो गया, तो यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं इनकमिंग कॉल, एंटी लॉस्ट, ये सब आप ऑन कर सकते हैं। एंटी लॉस्ट में क्या होता है कि अगर आप वॉच से थोड़ा सा दूर जाते हैं, तो फिर जैसे ही अगर वॉच का ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट होगा, तो वो वॉच पे एंटी लॉस्ट क्लिक किया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल आपसे दूर हो चुका है। तो यहाँ पे आप अलार्म क्लॉक सेट कर सकते हैं कि आपको किस टाइम उठना है, 8 क्लॉक करके यहाँ पर अलार्म सेट कर सकते हैं। सेकेंडरी रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी देर तक बैठना है, उसके बाद फिर ये आपको उठने के लिए बताएगा। यहाँ पे वाइब्रेशन सेट कर सकते हैं कि वॉच को कितनी बार वाइब्रेट होना है। बैकलाइट आप सेट कर सकते हैं कितनी देर तक, मतलब वॉच की स्क्रीन ऑन रहनी है, ये सब आप सेट कर सकते हैं। हार्ट रेट की आप सेटिंग कर सकते हैं अंदर जाके, कि टाइम सेटिंग की कितनी कितनी देर में इसको मॉनिटरिंग करनी है आपकी। और गाइज ये राइज टू वेकअप, इससे क्या होता है कि आपने जैसे ये वॉच पहन रखी है, जैसे आप इसे ऊपर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी स्क्रीन इसकी, जैसे रखें नीचे। और दिखाते हैं, तो यहाँ पे आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं, जैसे किसी का भी आपको बर्थडे वगैरह सेट करना है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं जिससे आपको याद रहे। अब वो आपके ऊपर जो आप सेट करना चाहें। और ये कैमरा मिल जाता है, तो अब आपको कैमरा चला के दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग कैमरा में गए, कैमरा में नोटिफिकेशन का अलाउ कर दिया। अब हम कैमरे में जाते हैं, तो ये कैमरा हमने खोल लिया है। जैसे ही हम वॉच के इस पे क्लिक करेंगे फोटो वाले पे, तो मोबाइल में फोटो खिंच जाएगी, देख सकते हैं आप। ये फोटो क्लिक हो गई, आपको सामने सामने भी दिखाते हैं, देख सकते हैं आप। तो ये फोटो क्लिक हो गई है, इससे तो वॉच पे आप क्लिक करके फोटो खींच सकते हैं मोबाइल में। और गाइस ये फर्मवेयर अपडेट है, इससे आप अपने मतलब ये देख सकते हैं कि आपकी वॉच अपडेटेड है या नहीं है, वॉच को अपडेट कर सकते हैं यहाँ से आप वॉच का सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे अभी हमारे एकदम लेटेस्ट वर्जन पे, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे फोन बुक में आप नंबर सेव कर सकते हैं, इसमें यहाँ प्लस वाले साइन पे क्लिक करके आप नंबर से सेव कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर मी वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पे हम थीम चेंज कर सकते हैं, किस कलर में आपको ऐप की थीम रखनी है। आपको 3 कलर चॉइसेस मिल जाती है, तो मैं डार्क थीम रखता हूँ, तो डार्क थीम कर दिए मैंने। तो यही सब है इस वॉच में। और गाइज ये IP67 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आती है, मतलब कि ये 1 मीटर वाटर प्रूफ है ये वॉच। तो चलिए अब इसकी वाटर टेस्टिंग करके दिखाते हैं आपको। सो गाइस, तो हम इसकी वाटर प्रूफिंग टेस्टिंग के लिए पानी लेकर आ चुके हैं यहाँ पर। तो चलिए अब इस वॉच को पानी में डालते हैं, फिर आपको इसे चला के दिखाते हैं। देख सकते हैं आप वर्किंग कंडीशन में वॉच एकदम आराम से चल रही है। तो आपको दिखाते हैं डाल के पानी में, तो कुछ नहीं हुआ है गाइस इसको, क्योंकि IP67 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आती है, तो इसे कुछ नहीं होता है। जब स्क्रीन सूख जाएगी तो अच्छे से टच काम करने लगेगा, वो थोड़ा पानी की वजह से टच कम काम करता है। और गाइस अब हम आपको इसको पहनकर दिखाते हैं कि हाथ में कैसी लगती है। तो गाइस, तो आप हाथ में भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया लगती है, कितनी अच्छे से इसकी फिटिंग आती है हाथ में। सो गाइस, तो ये वाटर प्रूफ भी है, तो फिर जिन लोगों की मम्मियों को ज्यादा बर्तन वगैरह धोने का शौक होता है, तो वो इसको भी धो सकते हैं, लेकिन बिना सोप के, बस पानी से धो सकते हैं, लेकिन 1 मीटर गहराई तक, उससे ज्यादा डुबा के ना धोएं, बाल्टी वाल्टी में डाल दें पता चले। सो गाइस, तो आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।